हाय फ्रेंड्स, कौशिक हियर फ्रॉम बोंगन रोड। तो आज है डे 10, 16 जुलाई। अभी टाइम हो रहा है सुबह 8:50। आज का प्लान है यहाँ से निकलना है, निकल के जाना है सरचू। सरचू पे नाइट स्टे करना है। अभी एक्चुअली बहुत लेट हो गया है तो इसलिए अभी कुछ बात नहीं करना है, सीधे रास्ते में बात करते हैं गाड़ी में बैठ के। लिफ्ट ऊपर जाएंगे तो जाना है, मतलब पहुंच जाएंगे पेंगोंग, लेकिन हम लोगों को जाना है मनाली के रास्ते, तो राइट साइड में नीचे की तरफ जाना है। तो आज का प्लान, मतलब रोड का प्लान मैं पूरा बता देता हूँ। ले से हम लोग चले हैं, बीच में जो रास्ता अलग हो रहा था जहाँ पे मैं बोला कि ऊपर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे पेंगोंग, वो कारू करके नाम था उस जगह का। तो कारू से आगे आए, अभी हम लोग के सामने है तंगलंगला करके पास है एक, वो है, उसको क्रॉस करेंगे। फिर मोरे प्लेन है, उसको क्रॉस करने के बाद पेंग करके जगह आएगा। पैंग पे हो सकता है हम लोग रुक के लंच करें। उसके बाद दो और पास आएगा, लाचुंगला और नखीला। फिर हम लोग अपने आज का डेस्टिनेशन सरचू पे पहुँचेंगे। बाय द वे, ये लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है ये पूरा बर्फ़ है। मेरे ख्याल से सीज़न में यहाँ पे पूरा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। सामने मेरे ख्याल से तंगलंगला है। तो हम लोग आ गए हैं अभी तंगलंगला। कुछ अराउंड 14,000 या 13,000 फीट का हाइट है। चलो कुछ फ़ोटो लेते हैं, ज़्यादा देर रुकने का नहीं है, 5-10 मिनट रुकना है, फ़ोटो लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से जल्दी। चलो
तो अभी हम लोग पैंग पे, पैंग बेसिकली मुरे प्लेन अगर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टॉप आता है वो होता है पैंग। यहाँ पे है कुछ शॉप्स वगैरह है जहाँ पे आप लोग आराम से लंच कर सकते हो। लंच में ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, बस आप लोग दाल चावल, राजमा चावल, मैगी ये सब खा सकते हो। तो मैंने लंच तो कर लिया, अभी इधर से निकलने का टाइम हो गया। एक अपडेट ये है कि पैंग के बाद रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है। पैंग तक रास्ता बहुत सही है लेकिन इसके बाद रास्ता ख़राब है। ख़राब इन द सेंस जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, लेकिन जो पहले जो रास्ता देखा कि बिल्कुल एकदम ब्लैक वाली काली रंग की रास्ता, वो नहीं मिलेगा अभी इसके आगे। तो होप करता हूँ कि सही से पहुँच जाओ डेस्टिनेशन पे, लेकिन रास्ते का कुछ कर नहीं सकते, रास्ता जैसा है ऐसा तो रहेगा ही। बस हम लोग को अपने हिसाब से जाना है, आई मीन रास्ते के हिसाब से ऐसे ही जाना है। बाकी अभी कुछ बंदे मिले थे यहाँ पे इसी रेस्टोरेंट पे जो कि नीचे मनाली से आ रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली मतलब AMS हुआ है, AMS हिट किया है बेसिकली, क्योंकि वो लोग प्रिकॉशन नहीं लेके आए हैं। और मनाली से आएंगे तो मैं जैसे पहले वीडियो में बताया था, मनाली से अगर आएंगे तो जो हाइट है सी लेवल से, वो हाइट बहुत रैपिडली चेंज होता है। मतलब एक जगह पे आप अराउंड 6500 फीट पे रहते हो, दूसरे दिन आप सीधा पहुंच जाते हो 1300, 13,000, 14,000 फीट पे, मतलब डबल के आसपास। तो वो थोड़ा इशू है। बाकी मतलब आप मनाली से भी आ सकते हो, बट थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा, जैसे जो डायमॉक्स है वो लेना पड़ेगा, मतलब आई मीन जैसे ऐसा चलना पड़ेगा ताकि AMS हिट ना पड़े। तो अभी सीधा यहाँ से निकलना है और चलना है अपने डेस्टिनेशन पे, तो चलो। अभी हम लोग क्रॉस कर लिए हैं सरचू को, मेन सरचू को क्रॉस कर लिए, बेसिकली पीछे था सरचू का एक्चुअली। मतलब सरचू में भी आप लोगों को एंट्री करवाना पड़ेगा क्योंकि सरचू बेसिकली बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। तो हम लोग एंट्री कर दिए हैं,
जगह थोड़ा ट्रिकी है, पानी आ रहा है ऊपर से और नीचे लूज पत्थर है, तो थोड़ा गाड़ी संभाल के चलाना पड़ेगा। फिलहाल और एक चीज़ है, जो कैंप है वो आगे है, पीछे भी थोड़ा कैंप था बट वो पसंद नहीं आया तो कैंप आगे है करके बोल रहा है, तो आगे जाके देखते हैं कैसे कैंप है। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, का 7 बज रहा है। अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ सरचू से। सरचू में एक्चुअली क्या है, जो मेन सरचू है वो यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर पीछे है टूवर्ड्स ले, मतलब सरचू क्रॉस करके मुझे 10 किलोमीटर आगे आना पड़ा तब जाके मुझे कैंप साइट मिला। उधर भी है एक दो कैंप उधर, लेकिन 10 किलोमीटर आगे आके फिर कैंप साइट पे आए। तो अभी कैंप लिए है, कैंप लेने के बाद चाय वाय पिया। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी है, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ। बाकी मैं बाहर जाके एक बार आप लोगों को कैंप दिखा देता हूँ। अच्छा एक चीज़ है, कैंप का ना मुझे पता नहीं था, कैंप का ऑनलाइन बुकिंग होता है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ जो कैंप का साइड वगैरह है, कैंप का जो बोर्ड है वो मैं डाल दूंगा ब्लॉग में, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और दूसरा है, एक वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किया आज। एक्चुअली उस टाइम पे वीडियो, मतलब मैं देखा नहीं था कि वीडियो स्टार्ट नहीं है, बाद में देखा वीडियो स्टार्ट नहीं है, थोड़ा आधा आने के बाद फिर उसको ऑन किया तो आधा ही दिखा पाऊँगा। बाकी ये सच और कुछ अभी है नहीं, मौसम बहुत सही है बाहर का। मैं देखता हूँ कुछ अगर टाइम लैप्स ले सकता हूँ इधर, तो चलो एक बार कैंप दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो वो है रास्ता आ रहा है, ऐसे सीधा जा रहा है ये उधर, इधर के तरफ है ले, इधर पीछे के तरफ है मनाली, और ये चारों तरफ देखो एकदम पहाड़ियों है चारों तरफ। ये है मेरा गाड़ी, ये है मेरा, ये मेरा टेंट है, बाकी आसपास टेंट्स ही टेंट्स है। ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, मस्त जगह है। बाकी हवा बहुत तेज है, हो सकता है मेरा वॉइस में विंड ब्लास्ट का नॉइज भी आए। धीरे धीरे ऐसे आसमान क्लियर हो रहा है, बारिश हो रहा था बीच में, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। तो अभी के लिए इतना ही, देखता हूँ रात को डिनर का टाइमिंग है 8:30 से 9:30 या 8 से 9 है शायद। डिनर करने के बाद फिर अंदर लाइट रहेगा, उस टाइम पे क्लोजिंग करेंगे। तो अभी तब तक के लिए टाइम लैप्स का मजा लो। आज का डे 10 का एंड अभी हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 9:26। तो अभी हम लोग हैं सरचू पे, इधर एक्चुअली बहुत ठंड है बाहर, हवा चल रहा है एकदम, देख सकते हो टेंट पूरा हिल रहा है। आज हम लोग स्टार्ट किए थे ले से, तो ले से पैंग का रास्ता बहुत बढ़िया है, अल्टीमेट वाला रोड है। उसके बाद का रास्ता थोड़ा ख़राब है, और सरचू जो मेन बॉर्डर है HP हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का, बॉर्डर के
जस्ट बॉर्डर पे ही एक्चुअली वो है वाटर क्रॉसिंग है, तो उस जगह पे थोड़ा ध्यान से आना पड़ रहा है। बाकी अभी डिनर हो गया है, डेटा कॉपी करना है और सोना है और कुछ। बाकी दूसरे लोगों से भी पता चला कि रास्ते में फिर से कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट एक्चुअली आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सेफली ड्राइव करो, थोड़ा सेफली चलो सिग्नल, ताकि एक्सीडेंट ना हो, अवॉइड कर लो। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो अभी सोना है, बहुत ठंड लग रहा है, डेटा कॉपी करना है, फिर सोना है, फिर कल सुबह उठ के यहाँ से स्टार्ट करना है मनाली के लिए। आगे दो पास आएगा, रोहतांग पास और बारा लाचांगला पास, तो लोगों से फीडबैक मिला है कि रास्ता थोड़ा ख़राब है, देखते हैं, वो तो जो ख़राब है तो ख़राब है, जाना है तो जाना ही है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता है आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, बाकी शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को पता चले। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, कुछ भी पूछना है इस ट्रिप के बारे में या कुछ बताना है, और पुराने जो वीडियोस है, बाकी नौ वीडियोस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक एक करके सारा वीडियो देख लो, तो मतलब एक एक करके देखोगे तभी मज़ा आएगा, ऐसे बीच में से देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो दिस इज़ कौशिक साइनिंग ऑफ, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बी सेफ, बाय बाय।